आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इफ कंडीशंस, मतलब कि नेस्टेड इफ के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं नेस्टेड इफ को। तो बेसिकली हमारे पास यहां देख लीजिए क्या है कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास रिजल्ट्स है। अब मुझे यहां पे शो करना है कि रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास, पर सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 30 है तो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट यहां मॉड्यूल पे आते हैं और सब्जेक्ट पहले हम बताएंगे कि अब एंड से कैसे करेंगे। यहां पे कंडीशन देंगे लूप की फोर आई इक्वल टू चले, टू से चले 10 तक और फिर नेक्स्ट आई। फिर कंडीशन यहां पे होगा कि इफ इसमें यहां पे मैं लूप ले लेता हूं, हाँ लूप ले लेता हूं कि इफ रेंज के साथ हमने आई को मर्ज कर दिया, या फिर सेल भी ले सकता हूं मैं, एक काम करता हूं सेल्स ले लेता हूं, सेल्स आपका आई कॉमा टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड सेल्स आपका आई कॉमा थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड सेल्स आई कॉमा फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन देन तीन सब्जेक्ट है ना, दो ही मैंने पांचवा भी था। अब इसमें मैं क्या करूंगा, स्पेस देके अंडरस्कोर का आ ताकि नीचे आ जाए, बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको सेल्स आई कॉमा फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हाँ, मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी थी। इसमें हमने यहां एंड नहीं लगाया था, देन क्या हो तो रेंज सेल भी कर सकते हैं, सेल्स आई कॉमा सिक्स इक्वल टू यहां पे आ जाए रिजल्ट, रिजल्ट में पास, सॉरी। और फिर हमने एल्स में दिया, इसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर देते हैं एंड इट, और यहां पे फेल कर देते हैं। ओके, मैं इसको रन करता हूं ताकि रिजल्ट देख लीजिए, तो हमारा एक पास है बाकी सब फेल है, राइट। तो ये फॉर्मूला तो हम करते ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि पहले सब्जेक्ट में किसने क्या फेल किया है। तो मुझे यहाँ पे देना है कि किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, उसका भी नाम देना है हमको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इफ का इस्तेमाल, सॉरी नेस्टेड इफ का इस्तेमाल। वन बाय वन चलेंगे कि इफ सेल्स आई कॉमा टू
is greater than equal to 30 then. तो पहला if होगा कि अगर मतलब कि दूसरे कॉलम में अगर greater than 30 है तो फिर यहाँ पे दूसरा if चलेगा कि if sales i comma 3 अगर a greater than equal to 30 है then फिर चलेगा यहाँ पे if sales यहाँ होगा i comma 4 is greater than equal to 30 then फिर चलेगा again if sales i comma 5 is greater than equal to 30 then यहाँ होगा sales i comma 6 equal to क्योंकि पास होने के चांसेस एक ही है लेकिन फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा है तो यहां पे हम देंगे एल्स एल्स और यहां पे हम दे देंगे ये हमारा सब्जेक्ट 4 में फेल हुआ है और फिर एंड इफ यहाँ पे हम देंगे एल्स क्योंकि जितने इफ लगेगा उतना ही एल्स लगेगा ध्यान रखिएगा एल्स सेल्स हम यहाँ करेंगे आई कॉमा सिक्स डॉट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है इक्वल टू एस थ्री फेल फिर यहाँ पे एंड इफ तो जितना इफ उतना ही एंड इफ और एल्स उतना ही सेल्स आई कॉमा सेवन सॉरी सिक्स होगा सिक्स इज इक्वल टू एस टू यहां पे एल्स सेल्स आई कॉमा सिक्स इज इक्वल टू एस वन फेल फिर यहाँ पे एंड इफ और हमने यहाँ पे एंड इफ लगाना भूल गया ठीक है सर तो अब जैसे बोलेंगे सर इस तरह से आपने इस तरह से लगाया है एरो की तरह तो ऐसे होता ताकि आप समझ सके कौन सा इफ किसके अंदर में देखिए सबसे पहला इफ ए है जिसके अंदर में पूरा है तो अगर आई के ऊपर मतलब कि इसमें वैल्यू अगर 30 हुआ तभी वो सेकेंड इफ को फॉल रखेगा नहीं तो यहां से बाहर आ जाएगा राइट फिर इसने दूसरा इफ के अंदर में ये तीसरा चौथा इफ है अगर दूसरा इफ में अगर ट्रू हुआ तो तीसरे इफ को फॉलो करेगा नहीं तो एल से बाहर आ जाएगा और तीसरे इफ के अंदर चौथा इफ है अगर तीसरा इफ में ग्रेटर देन 30 हुआ तो चौथे को फॉरवर्ड करेगा नहीं तो एल से बाहर आ जाएगा और चौथे इफ में चेक करेगा कि ग्रेटर देन 30 है मतलब कि चार चौथे इफ ने चेक किया इसका मतलब है कि बाकी तीन सही थे तो यहां पे पास देगा क्लियर है अतीत जी कोई डाउट सर इसमें सर इसमें एल्स के अंदर सभी में आई सिक्स लगा है सेल्स क्योंकि रिजल्ट हमें आई सिक्स पे चाहिए ना आई सिक्स पे चाहिए इसलिए अच्छा तो वो रिजल्ट में कैसे मतलब वो स्टेटमेंट को कंबाइन करके दिखाएगा या फिर वो मतलब नहीं एक एक करके दिखाएगा इसमें कंबाइन का सिस्टम कर दिया मैंने ओके मतलब अगर किसी एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो एक ही दिखाएगा और अगर एक से ज्यादा में फेल होगा सर तो काम मैं ही नहीं करूंगा सर बाकी कुछ काम आप भी कर दिया दीजिए वरना आलसी हो जाएंगे नहीं ठीक है ओके हेलो हेलो अच्छा सर ये मेरे समझ में ये नहीं आई जो आपने यहाँ पे लिखा है एस फोर एस थ्री एंड एस टू एंड एस वन ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वन में फेल है सब्जेक्ट टू में फेल है ओके 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 ओके
ओके जो पैटर्न है वो सेम सेम रखना है मेंटेन, जैसे आपने वो बना नहीं रखा है जरूरी ब्रेक नहीं का। है, ये समझने के लिए मैं बुलाया, अच्छा वरना आप कैसे भी लिख सकते अच्छा हैं। ठीक है ओके, कैसे भी लिख सकते हैं ना। तो क्या पता तो चलेगा कौन से इफ किसके अंदर में है, हाँ ठीक है ना, क्लियर है। ये हमारा हाँ हो गया इस तरह से इसका यूज करते हैं। दूसरा चीज यहां पे आता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास सेल्स है, अब मुझे इसमें क्या करना है कि स्लैब देना है कि 0 से 40 अगर आता है तो मैं यहां पे 500 देना चाहता हूं। ओके 41 to 80 आता है तो मैं यहां पे 1000 देना चाहता हूं। ग्रेटर देन 80 80 to 100 आता है, 80 to 100 आता है तो यहाँ पे 1500, और ग्रेटर देन 100 तो यहाँ पे मैं 5000 देना चाहता हूँ। ये चीजें मैं यहाँ करना चाहता हूँ इंसेंटिव में, ILC बी कॉलम में, राइट सर। और ये लूप मेरा 48 तक है। तो चलिए इसके लिए हम बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे स्लैब इफ। ये ऑफिशियली इसका नाम नहीं है, मैंने इसका नाम रखा हुआ स्लैब। तीसरा इसका एग्जांपल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फोर लूप लगेगा कि फोर आई चले टू से, आई के जगह पे वन कर दिया, आई चले टू से 48 एंड इफ नेक्स्ट आई। अब मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ सेल्स आई कॉमा वन इज लेस देन इक्वल टू 40 देन, यहां पे हमें देना है सेल्स आई कॉमा टू नहीं थे ये, हाँ टू, हाँ टू इज इक्वल टू 500। और फिर यहां पे दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे कि अगर 80 है, क्योंकि तो दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ फॉल्स होगा, समझ में आया। यहाँ पे 80 के जगह पे 100 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 और ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा हमारा 2000। और लास्ट में हम यहाँ पे एंड इफ कर देंगे, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो ये हमारा एलसी है, इसको बोलते हैं मतलब कि एक कंडीशन लगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा और कंडीशन चले। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखिए कि इसमें ये है कि आपका एक कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरा कंडीशन चलेगा, राइट। और यहां इसका अपोजिट है कि एक कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा कंडीशन चलेगा, क्लियर है अतीत yes, जी, तो डाउट इसमें। यस सर नहीं तो इसका यूज आप कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़े। हेलो हाँ बोलिए। सर अगर एल सिर्फ किसी अगर और का यूज करेंगे तो यहाँ पे और का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट अलग अलग है ना सर। ये स्लैब है ना सर, और का यूज तब तब होगा जब हमारे पास एक ही कंडीशन होगी, सुनिए, एक कंडीशन होगी और कई सारे रिजल्ट, मतलब कई सारे कंडीशन पे एक रिजल्ट होगा। यहाँ पे हर कंडीशन के साथ हमारा रिजल्ट चेंज हो सिंगल रहा है। चॉइस रीजन अब यहाँ पे एक चीज है कि इसके जगह पे आप सिलेक्ट केस लगा सकते हो। सिलेक्ट केस ऐसे चीजों के लिए इजी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे कि कुछ कोड, यहाँ पे कोड है और मुझे इसकी सिटी देने हैं,
11 22 33 44 120 12 124 0 यहाँ पे 621 ऐसे कोड है, राइट। तो मुझे यहाँ पे सिटी का नेम देना है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ 11 इक्वल टू तो दिल्ली आया, 22 हो तो आया, क्योंकि इसकी वो डेटा तो कहीं है नहीं बना, मुझे डेटा रख के भी वीलू का बगल लगाना पड़ेगा। यहां पे इससे अच्छा है कि मैंने यहां पे क्या किया, सिलेक्ट केस लगा दिया। यहां पे लूप चलाएंगे कि फोर, नींद आ रही क्या सर? अब यहां पे होगा सेलेक्ट, इसके साथ तो हमने बोल दिया यहां पे सेल्स आई कॉमा अब बस यहां पे कंडीशन देना है कि यहां पे केस हमने बोला कि 11 कॉमा डबल वन आता है तो यहां पे सेल्स आई कॉमा टू इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। ठीक है, नहीं इसमें क्या है कि 11 22 124 120 तीन चीजें है, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा हमने बोल दिया 22 124 120। ठीक है, यहां आपको और लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, फिर यहां पे केश हमने बोला कि यहां पे 33 हो एंड 44 हो तो मुझे यहां शो करना है सेल्स आई कॉमा 3 2 2। ठीक है, और एल्स में इसके अलावा कुछ और आता है तो हम यहां पे सिटी जो है यहां पे है। और लास्ट में फिर एंड की तरह एंड सेलेक्ट कर दीजिए। अब मैं इसको रन करूंगा तो एक मिनट, यहां पे फोर करना होगा हमें। एल्स तो दिया जाता है, एल्स विदाउट इफ केस, हाँ केस देना पड़ेगा, केस एल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां कितना सिंपल हो गया ना सर। मान लीजिए मुझे यहां पे देना है 10 से 20 तो सिंपल यहां पे लिख देंगे 10 to 20, समझे। तो बिटवीन वगैरह में इसका अच्छा खासा यूज होता है, लेकिन जब तक आप इसको खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं है, राइट सर। तो मैं इसकी कोडिंग जो है आपको भेज देता हूं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसकी कोडिंग आपको मेल कर देता हूं।